तो दोस्तों कैसे हो आप सब। L&T जॉब मिला, जी हाँ, जिसने देखा और जिसने सुना कुछ भी गलत नहीं सुना है कि L&T ने बहुत बड़ा जॉब फेस्ट ऑर्गेनाइज किया है। कहाँ किया है, कैसे किया है, किसके लिए किया है, वो मैं आपको पहले ही वीडियो में बता दूँ। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CS IT, इंस्ट्रूमेंटेशन और यहाँ बहुत सारी इंजीनियरिंग ब्रांचेस एलिजिबल है। जिन बंदों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन है क्या यहाँ डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं क्या, जी हाँ, डिप्लोमा वाले 100% एलिजिबल हैं और BTech वालों की तो बात ही नहीं है। आज जो मैं आपके सामने वीडियो लाया हूं उसमें M.Tech वाले भी एलिजिबल हैं। कैसे अप्लाई करना है, कैसे आगे बढ़ना है, हर एक चीज़ के बारे में पॉइंट टू पॉइंट आप सभी को कन्वे करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहूंगा। L&T के को जो सबसे बड़े आज के टाइम में प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो चल रहे हैं हर घर जल योजना वाले। पूरे इंडिया में L&T को हर घर योजना मिला है, उसमें सबसे ज़्यादा काम हो रहा है उत्तर प्रदेश में। यहाँ बॉयज़ के लिए फील्ड में और गर्ल्स के लिए ऑफिस में अनलिमिटेड जॉब्स निकली हैं। मैं लास्ट टेन डेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जिन्होंने इंटरव्यू देके वहाँ सेलेक्ट हुए हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, L&T हो या टाटा हो या कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी कभी भी एक भी रुपए चार्ज नहीं करती है, इंक्लूडिंग सिंगल अमाउंट। अगर आप पे करते हैं तो आप कभी भी L&T को पे नहीं करेंगे, वो कोई थर्ड पार्टी होती है और फ्रॉड होती है। तो L&T और कभी आपसे कोई पैसे मांगता है तो कोई जिम्मेदार नहीं है, इंक्लूडिंग मी, इंक्लूडिंग L&T या कोई भी, क्योंकि जो आपसे पैसे मांगेगा वो कभी आपको जॉब नहीं देगा। तो इस चीज़ का अपने दिमाग में रख लीजिए, चाहे L&T हो, टाटा हो या छोटी से छोटी कंपनी भी हो, कि आपको वो जॉब के अगेंस्ट में पैसे देने वाले हैं ना कि आपसे लेने वाले हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर किसी बंदे को डायरेक्ट इंटरव्यू कराना हो, डायरेक्ट इंटरव्यू, तो वो अपना CV मेरे को भेज दे, कहाँ, अपने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। और अपने जो इंस्टा प्रोफाइल पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट अपना CV भेज चुके हैं। जिनको नहीं पता है, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इसके साथ साथ दो प्लेटफॉर्म मैंने ऐसे दिए हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप। इंस्टाग्राम को तो मैंने आपको बता दिया कि अपना CV भेजना है। टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे मैं सारे डाटा, किन किन का CV, किन किन का अभी आगे जॉब होने वाली है, किन किन का अभी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, वो सारा डाटा मैं कल जो है थर्सडे से मैं प्रोवाइड करने लग जाऊंगा डाटा। तो वो सभी आप दोनों प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। दोनों के लिंक अब मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। कुछ चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, कुछ चीज़ें व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, तो दोनों ही देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में। L&T का मतलब फुल फॉर्म होती है लार्सन एंड टोब्रो। इंडिया की जानी मानी कंपनी है आज के टाइम में, या फिर आने वाले टाइम में ये इंडिया की एक बैकबोन कंपनियों में से होने वाली है, क्योंकि इनका जो ग्रोइंग स्टेज है और ग्रोइंग रेट है बहुत ज़्यादा है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। यहाँ आपको क्या करना है, जैसे ही इस प्रोफाइल पे आएंगे, इसके बाद आने के बाद जहाँ करंट ओपनिंग्स लिखा है, इसके नीचे लिखा है व्यू मोर जॉब्स एंड अप्लाई ऑनलाइन। क्या व्यू मोर जॉब्स, आज तक आपने यहाँ ऑल ओपनिंग्स खोली है, लेकिन अब क्या करना है, व्यू मोर जॉब्स एंड अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको इस तरीके की एक इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे ये आपको ले जाएंगे। देखिए ये मैं नहीं लाया हूँ, ये डायरेक्टली L&T के ऑफिशियल पेज पे ही जो दिया हुआ है उसी के थ्रू आपको आना है, कुछ नया नहीं करना है। जैसे ही आप यहाँ आएंगे, आने के बाद यहाँ आप देखेंगे बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर, QA QC मैनेजर, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी चेकर, हेल्थ एंड सेफ्टी, पाइपिंग इंजीनियर। पाइपिंग वाले में जो एलिजिबल होते हैं वो मैकेनिकल वाले होते हैं नॉन स्टैटिक इक्विपमेंट्स में। और ये वैकेंसी भी फ्रेशर वालों के लिए है, मैकेनिकल वाले इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके बारे में ज़्यादा क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि मैं लाया हूँ आपको जॉब मेला के करने। अभी देखेंगे, आप देखेंगे वी आर हायरिंग में कौन कौन हायर कर रहे हैं। दोस्तों ये जो है, ये एक चीज़ है कि ये हर एक बंदे को हायर कर रहे हैं। कैसे, मैं आज आपको दो जगह का दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो एक दिन पहले एक इन्होंने पोस्ट डाली है, वी आर हायरिंग, कहाँ के लिए, उड़ीसा के लिए। एक ऐसे ही एक दिन पहले एक और पोस्ट डाली है जिसमें इन्होंने बोला है कि डायरेक्ट वॉक इन ड्राइव है बड़ौदा में। कहाँ, बड़ौदा में। एक क्या है, एक तो हायरिंग हो रही है कटक में, एक हो रही है बड़ौदा में, कटक मतलब उड़ीसा में और दूसरी हो रही है बड़ौदा मतलब गुजरात में। तो मैं आपको दोनों के बारे में बताऊँगा और दोनों ही जॉब फेस्ट हैं। जॉब फेस्ट मतलब
कि ये जॉब मेला की तरह है, आप डायरेक्ट जाइए और डायरेक्ट यहाँ अप्लाई करके आगे बढ़ जाइए। जो जा नहीं सकते वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई कैसे करना है वो मैं बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वी आर हायरिंग, ये जो कटक वाला है इसमें क्या इन्होंने मांगा है। देखिए सबसे पहले तो इनका सोम और करना होगा, और यह कौन कौन है, सबसे पहले यहाँ देखेंगे आप डिप्लोमा इंजीनियर और बीटेक इंजीनियर्स को ये हायर कर रहे हैं। सबसे पहले सिविल एंड मैकेनिकल वालों को इन्होंने बोला है 2 to 6 एक्सपीरियंस इफ यू हैव, बट इफ यू डिडंट हैव तब भी आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने बोला है कि आप जो है डायरेक्ट अपना मेल भेज सकते हैं किसके, प्लीज अपलोड योर सीवी थ्रू दिस लिंक। किस लिंक पे, एलार्सन टॉबलो पीपल स्ट्रॉन्ग, और कब से, 15 अक्टूबर से पहले। या फिर आप जो है अपना सीवी डायरेक्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं किसको, rosi.mohanty@lnt.ecc विद कवर लेटर। अब ये कवर लेटर क्या होता है, कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देनी। कवर लेटर कहाँ मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पर, चिंता मत कीजिए। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको अप्लाई भी करके दिखाऊंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है, लेकिन भेजना किसको है, ये rosi.mohanty को जी को भेजना है @lnt.o, लेकिन 15 अक्टूबर से पहले। आज क्या है 11 अक्टूबर, और 15 अक्टूबर से आपको किसी भी हालत में भेजना है। एक चीज़ और है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई, LNT कभी भी किसी तरीके को कोई चार्ज पे नहीं करता है, इसलिए आप मत दीजिएगा अगर आपसे कोई मांगता है तो इस पर आपको मेल करना है। अब दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, दूसरा जो है रिक्रूटमेंट, ये आप देखेंगे वी आर हायरिंग कहाँ, विशाखापट्टनम में भी हायर कर रहे हैं जो आर्किटेक्चर या फिर अलग अलग बैच वालों को, तो उसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो मेन है, जो जिसके लिए मैंने आपको इस चैनल पे लाया हूँ, जिस वजह से आप देख के इस पेज पे आए हैं, वो है ये। क्या है ये, कब आई है ये, 12 मिनट पहले पोस्ट हुई है, कब, 12 मिनट पहले। अब 14 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को बेंगलोर में भी होनी है, और इससे बाद यहाँ ये बड़ौदा में भी होनी है, तो अलग अलग जगह पे चल रहे हैं वो। देखिए 2 से 4, 6 साल और ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा इन्होंने, हर तरह का एक्सपीरियंस। और देखिए कौन कौन यहाँ एलिजिबल हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूँ यहाँ जो एलिजिबल हैं, यहाँ सिविल इंजीनियर भी एलिजिबल हैं, सिविल वाले भी एलिजिबल हैं, फॉर्मवर्क इंजीनियर भी एलिजिबल है, फॉर्मवर्क मतलब शटरिंग वाले, इसके साथ साथ सेफ्टी वाले भी एलिजिबल है, सिविल वाले भी एलिजिबल है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और ऑटोमोबाइल वाले भी एलिजिबल है, फिनिशिंग इंजीनियर भी एलिजिबल है, MEP की फुल फॉर्म होती है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, जिसमें डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले एलिजिबल है। इसके साथ साथ इन्होंने बोला है कि जो भी बंदा यहाँ एलिजिबल है वो डायरेक्ट बैंगलोर में आ जाए। देखिए मैंने आपको कहाँ का दिखा दिया, उड़ीसा का दिखा दिया, विशाखापट्टनम का दिखा दिया, विशाखापट्टनम के साथ साथ बैंगलोर का दिखा दिया, अब मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको बड़ौदा का। अब मान लीजिए इसको अप्लाई कैसे करना है, दोस्तों इन्होंने जो है डायरेक्टली यहाँ तो दिया ही है, एक नीचे इन्होंने अप्लाई करने का ऑप्शन और दिया है। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारी वैकेंसीज डायरेक्ट निकाली हुई है जिसको आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ बड़ौदा का जो मैंने आपको दिखाया था लार्सन एंड टब्रो बैंगलोर में, और इसके साथ साथ और भी जगह पे जिसको आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे ये कितनी जल्दी वैकेंसी आई है जो कि मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। अब ऐसी वैकेंसी जो कि 17 मिनट पहले ही आई है वो भी आपके सामने है। अब इनमें एलिजिबल कौन कौन है, सबसे पहले तो आप सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सभी के लिए बता दिया है। अब इन्होंने देखिए एजुकेशन क्राइटेरिया दिया है 2 to 16 ईयर्स का, बट डजेंट मैटर, अगर आप यहाँ एलिजिबल नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आप ऐसा पूछेंगे कि आप एलिजिबल नहीं है, समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। मैंने जो आपको इससे पहले जो मेल आईडी प्रोवाइड की थी वो मेल आईडी आपको देख लेनी है। कैसे देख लेनी है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो वी आर हायरिंग वाला ये कटक वाला है यहां जाना है, कटक वाले में इन्होंने ये मेल आईडी दी है, इसको कॉपी करना है। कौन है ये, rosi.mohanty@lnt.ecc.com पे, rosi.mohanty@lnt.ecc पे आपको मेल कर देना है कवर लेटर के साथ। कैसे मेल करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये वैकेंसी हो गई सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट CS IT वाले सभी के लिए। इसके साथ साथ सारे ऑफिशियल चैनल पे आप फॉलो जरूर कर लें। इसके अलावा कोई भी क्वेरी होती है तो आप ज़रूर बताएं। और तो आपको सबसे पहले अप्लाई कैसे करना है उसके लिए चलना होगा मेरे टेलीग्राम चैनल से, जहां से आपको कवर लेटर कॉपी कर लेना है। दोस्तों उसके बाद आना है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, मेरी वेबसाइट पे, हर जगह आपको मिल जाएगा। यहाँ आके आपको यहाँ ऊपर ही पिन मैसेज का एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ आपको रिज्यूम फॉर्मेट भी मिल जाएगा, रिज्यूम फॉर्मेट के साथ साथ जो अगर आप देखेंगे यहाँ आपको कवर लेटर भी मिल जाएगा। कवर लेटर जो होता है अपने आप में क्या चीज़ होती है, कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर लेना, इसको बोलते हैं कवर लेटर। कवर लेटर का क्या काम
काम होता है, मैंडेटरी क्या काम होता है दोस्तों? पहले क्या होता था कि आपका सीवी जो है इन हैंड देना पड़ता था, बट आज के टाइम में हर चीज कवर लेटर के साथ, मतलब आपका रिज्यूम बहुत कम बंदे पढ़ते हैं बट कवर लेटर हर एक बंदा पढ़ता है। तो आप जो है इसको अपने हिसाब से, दोस्तों आपको आना है उसके बाद मेरे मेल सेक्शन में, या फिर आपको जो अब जो भी आपका मेल सेक्शन है उसमें जाना है, वो कवर लेटर जो कॉपी किया था उसको यहाँ पुटअप कर देना है। देखिए सब्जेक्ट में याद रखिएगा कि आपकी ब्रांचेस कौन सी है, रिगार्डिंग वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। अब डियर सर ऑब्लिक मैम ऐसे, और ये जो है पूरा का पूरा ही बहुत ही अच्छा है, आप डिप्लोमा बीटेक प्लेस ऑफ नेम कॉलेज ये सभी आपको मेंशन कर देना है जो भी वहां लिखा है। और इसको आपको जो आपको मेल आईडी मैंने बताई वहां, जो मैं वीडियो बता रहा था उसमें जो मेल आईडी बताई है उसको आपको टू में रख के फॉरवर्ड कर देना है। किसके पास भेज देना है? उसके पास भेज देना है जो आपको मेल आईडी दी है। याद रखिएगा इसके साथ साथ अपना सीवी, सीवी मतलब अपना बायोडाटा या फिर कोई भी अपना डेट, वो सारा आपको अपलोड कर देना है। किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम होती है आई एम ऑलवेज विद यू। बट आपसे एक और चीज़ की रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मॉनिस्टर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है उस पर जल्दी से जल्दी मॉनिस्टर ऐप को डाउनलोड कर दे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मॉनिस्टर का मिल जाएगा। तो ये थी आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।